सरकारी अस्पताल पे अवेलेबल है कि हर पी एस सी और सब सेंटर पर भी। करने के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए हर गर्भवती महिला की तीन पैसा पूर्ण देखभाल एवं चिकित्सा ये खुशी एक्सप्रेस गाड़ी निकल रही है जो आने वाला जो MR का अभियान है उसके लिए प्रचार प्रसार करेगी, समुदाय में जाकर के जागरूकता का कार्य करेगी और जो नियमित टीकाकरण प्रोग्राम चलता है उसमें भी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके साथ में पपेट्स वाली टीम है जो कठपुतली का शो दिखा करके लोगों का आकर्षण करती है और जागरूक करती है। इसमें जो 11 प्रकार की जानलेवा बीमारियां हैं उससे बचाव के लिए गला घोटू, काली खांसी, TB, टेटनस, पीलिया, पोलियो, निमोनिया, रुबेला, मिजिल्स आदि इन सब बीमारियों से बचाव के लिए फ्री में जो टीके लगाते हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए ये गाड़ी जो भूमिका इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी जो नियमित टीकाकरण में कवर करते हैं वो जन्म से लेकर के मतलब गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और 5 साल तक बच्चों कवर करते हैं और जो स्पेशली MR का अभियान चलेगा 10 दिसंबर से 1.25 महीना तक चलेगा तो MR का टीका 9 महीना से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को लगेगा। क्या टीकों को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है? जागरूकता है लेकिन जितना अपेक्षा है उतना नहीं है, कम है। तो ये कितने दिनों तक चलेगी खुशी एक्सप्रेस जिले में? ये 10 दिन चलेगी और विभिन्न गांव अलग अलग गांव में जा करके अपना शो करेगी।